मेरे साथ इस वक्त है बिग बॉस के अब तक के सभी सीजन में से द बेस्ट गेम चेंजर दी मास्टर माइंड विकास गुप्ता। थैंक यू जारा फॉर कॉलिंग मी दी मास्टर माइंड। ये नाम मुझे दिया गया था हिना खान ने चुड़ाने के लिए, क्योंकि उसको चुड़ाने में बड़ा मजा आता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो चुड़ाने वाला वर्ड बहुत ऐसे बन गया कि हर कोई मुझे मास्टरमाइंड कहने लगा। बट आई एम सो ग्लैड, एवरीथिंग यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आई एम टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ शुगर। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, सेकंड आया है, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई थिंक हम मैंने यही कहा है हमेशा कि हम चारों जो फाइनल्स में पहुंचे हैं वो हमने बहुत मेहनत शिद्दत के साथ जीता है। उसके बाद जो भी वो फैंस के हाथ में था, तो वो गेम हमारे हाथ में रह नहीं गया था, वरना फिर कुछ मास्टरमाइंड चल रहा होता उसमें। पर उसके बाद जो भी जीता, जहां भी गया, वो ट्रूली डिजर्व करता है। द फैंस मेक यू एंड दे मेड यू। विकास, हमेशा आप पर्दे के पीछे रहे हैं, कैमरास के पीछे रहे हैं, एकदम से 90 कैमरास के सामने फेस करना, तो ये कैसा रहा ये पूरा बिग बॉस का जर्नी अगर सम अप करना हो आप? एक्चुअली हम लोग कैमरास भूल गए थे वहाँ जाकर। आई हैड फॉरगॉटन देयर वर कैमरास, सो आई थिंक दैट्स व्हाई मैं बहुत आराम से ये कंफर्टेबली जी पा रहा था और मैं अपने आप को दिखा पा रहा था। सो जो आपने देखा वो मैं हूँ। अब आपको पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो दूसरे बहुत सारे थे 19 के कंटेस्टेंट, उनमें से एक को लाइक करो। बट बहुत बहुत मजे से, बहुत प्यार से, बहुत सच्चाई के साथ ये गेम खेला। लोगों ने आपको पसंद किया, लेकिन थोड़ा वक्त लगा, शायद आपको भी अंदर अपने आप को पहचानने में वक्त लगा। जैसे शुरुआत के 5 हफ्ते में अगर मैं बात करूं तो काफी परेशान हो गए थे उस वक्त, उस दौर के बारे में क्या कहना? वो पहले 5 हफ्ते में ना कंफ्यूज आ गया था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि कहीं से मुझे ये गेम के कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, जिससे मैंने बिग बॉस देखा नहीं था पहले। आई थिंक वही मेरे लिए वर्क भी किया, बिकॉज जो मैंने बिग बॉस नहीं देखा था वही फिर मेरे को मालूम नहीं था कैसे खेलना है, तो फिर मैंने अपने हिसाब से गेम बनाना चालू किया। तो आई थिंक समवेयर दैट्स व्हाट हेल्प मी ऑल्सो। पर पहले 5 हफ्ते में थोड़ा सा स्लो था, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरी ले रिली जा रही थी वहां पर, एक एक करके सब लोग पागल हो रहे थे कि यही है बेचारा, रोतड़ू पकड़ो उसको। बट समवेयर आई थिंक धीरे धीरे थिंग्स बेटर हुई वहां पर। गेम खेलने के चलते भी आपने अगर दुश्मन कहीं बनाया तो दोस्त भी बनाए अंदर, अर्शी बहुत अच्छी दोस्त है आपकी, क्या कहेंगे उनके बारे में? अर्शी नहीं, ज्योति, हितेन भैया और बहुत सारे मैंने दोस्त कमाए। आई थिंक एक चीज जो मैंने कमाई यहाँ पर और ओके मुकाबले, वो है दोस्त, ट्रू दोस्त, जो अभी भी बाहर खड़े होंगे और जो कंटेस्टेंट्स खड़े थे उनसे पूछा किसको वो जीतना देखना चाहते, जिन्होंने हमारे साथ वो जर्नी जी है वो आपको नाम बताएंगे उनके हिसाब से कौन जीतना चाहिए। बट अगेन, जीत और हार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट ये लाइफ थी, एक्सपीरियंस था, एंड वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी कि हमने लाइफ और ये एक्सपेरिमेंट जीता। तो फिलहाल कितने खुश है शिल्पा के जीतने पर? मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज ट्रूली मैं चाहता था अगर मैं ना जीतू तो शिल्पा जीते, वो मैंने अनाउंस भी किया था स्टेज पे कि मेरे हिसाब से शिल्पा जी जीतनी चाहिए, एंड शी इज वन, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर। तो लास्टली क्या कहेंगे, मतलब आपको प्रोडक्शन करते हुए तो बखूबी देखा है हमने, एक्टिंग में शायद कुछ लक आजमाना चाहेंगे? सब मुझसे एक्टिंग करवा लोगे, पर मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसे रन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर एक्साइटिंग हुआ छोटा मोटा तो शायद मैं आ जाऊं वापस कुछ करने के लिए। पर मैं होस्टिंग करता हूं यार, मेरा एक शो आता है बैड कंपनी, सेकंड सीजन आएगा, अब तो लोग खरीद भी लेंगे बिकॉज दे लाइक मी अपेरेंटली। सो लेट्स सी, समथिंग एक्साइटिंग विल हैपन एंड वी विल डू समथिंग नाइस। बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकास, जिन्होंने खिताब तो जरूर हार गए लेकिन सबका दिल बखूबी जीत गए। कैमरा पर्सन भुवन सिंह के साथ जारा खान, E24।